दोस्तों अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा आज दिनांक 29 मई 2024 को एक बड़ा आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार, बीपीएससी और जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उनको जो TRE-3 है उस प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए आदेश दे दिया है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी TRE-3 की परीक्षा से संबंधित हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टोटल 17 पेज का ये कोर्ट ऑर्डर कॉपी है, जिसमें पूरे मामले को अगर मैं समझाऊं तो जैसे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्रों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अतिरिक्त भारांक देने के लिए बोला गया था उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, उसी के तर्ज पर बिहार में जो वहाँ की शिक्षा सेवा नियमावली है, वहाँ के जो टीचर होते हैं उनको उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, एक साल के एक्सपीरियंस के आधार पर 5 अंक का अतिरिक्त भारांक और प्रत्येक वर्ष 5 अंक देकर के और अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए 25 अंक अतिरिक्त भारांक देने के लिए उसमें मेंशन किया गया है। जहां पर आपको ज्ञात होगा बिहार में गेस्ट टीचर्स हैं और उन गेस्ट टीचर्स को ये लाभ नहीं दिया गया था बीपीएससी TRE-2 में भी और 3 में भी, जिसको लेकर के ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। TRE-2 के संदर्भ में चूंकि मामला ऑलरेडी कॉन्क्लूड हो चुका है इसलिए वहां पर इस मैटर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन TRE-3 में चूंकि अभी नियुक्तियां नहीं हुई हैं इस वजह से माननीय पटना हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। एक्चुअली उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया ये जानने के लिए आपको सीधे चलते हैं कोर्ट ऑर्डर कॉपी के उस पॉइंट पर जहाँ पर माननीय हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को दिया हुआ है। आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे ही 17वें नंबर पॉइंट पर हम आते हैं, पेज नंबर 17 पर देखिए, हैविंग हियर द आर्गूमेंट एडवांस्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज एंड फ्रॉम परसुअल ऑफ द रिकॉर्ड्स, इट इज़ क्लियर दैट द एडवर्टीजमेंट नंबर 27/2023, ये वही एडवर्टीजमेंट है जो कि 4 नवंबर 2023 को यानी TRE-2 के लिए बात की जा रही है, पब्लिश्ड बाई BPSC एंड अपॉइंटमेंट इन द सेड एडवर्टीजमेंट हैज ऑलरेडी बीन कॉन्क्लूडेड, देयर फॉर दैट प्रेयर of the petitioner is not accepted by this court to direct the BPSC to mark make merit list in advertisement number 27/23। यानी कि चूंकि इसमें ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, भर्ती कंक्लूड हो चुकी है, इस वजह से कोर्ट ने उनके प्रेयर को एक्सेप्ट नहीं किया कि उसमें फिर से मेरिट को बनाई जाए, जो अतिरिक्त भारांक है 5 नंबर का प्रत्येक वर्ष के हिसाब से और अधिकतम 25 अंक का, उसको एक्सेप्ट करने से माननीय कोर्ट ने मना कर दिया है। लेकिन माननीय कोर्ट ने TRE-3 के संदर्भ में क्या कुछ कहा है इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज़ एडमिटेड फैक्ट दैट द पिटिशनर आर वर्किंग एज गेस्ट टीचर, वो गेस्ट टीचर के तौर पर कार्यरत हैं बिहार के शिक्षा विभाग में, एंड द अवार्ड ऑफ द ग्रेस मार्क ऑफ रिलैक्सेशन इज अ पॉलिसी डिसीजन विथ द डोमेन ऑफ द स्टेट एंड नो सच प्रोविजन डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव द बेनिफिट ऑफ 5 मार्क्स पर ईयर मैक्सिमम 25 मार्क्स टू द गेस्ट टीचर। द मैनेजमेंट ऑफ द बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज गिवन द सेट ग्रेस मार्क टू द कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर नॉट टू द गेस्ट टीचर। यहाँ पर 2 प्रकार के टीचर हैं, एक तो जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हैं और दूसरा गेस्ट टीचर। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने जो बैकवर्ड वाला क्लास है उनको वो जो अतिरिक्त भारांक की बात की जा रही है वो दिया गया, लेकिन जो गेस्ट टीचर हैं उनको इसका लाभ नहीं दिया गया। आगे देखिए, इट इज़ पॉलिसी मैटर ऑफ द स्टेट टू ग्रांट ग्रेस मार्क टू द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस टीचर नॉट टू गेस्ट टीचर, दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का सीधे तौर पर ये वायलेशन है, यानी कि कानून के समक्ष सभी को एक नज़रिए से देखा जाएगा, ये सीधे तौर पर उसका उल्लंघन है, जिस पर माननीय कोर्ट ने 18वें नंबर पॉइंट में ये मेंशन किया गया। देखिए, कंसीडरिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस आई एम ऑफ व्यू दैट बोथ द कॉन्ट्रैक्ट टीचर एंड द गेस्ट टीचर आर डिस्चार्जिंग सेम ड्यूटी एंड दे आर टीचिंग द स्टूडेंट इन द स्कूल एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट टीचर एंड द गेस्ट टीचर। यानी कॉन्ट्रैक्ट टीचर और गेस्ट टीचर में कोई भी अंतर नहीं है, और इस वजह से इन माई ओपिनियन यानी कोर्ट ये कह रही है कि हमारे विचार में द गेस्ट टीचर आर ऑल्सो इंटाइटल टू 5 मार्क्स फॉर ईच 1 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम 25 मार्क्स एज गिवेन टू द कॉन्ट्रैक्ट टीचर अकॉर्डिंगली दिस रेट पिटिशन इज अलाउड एंड द स्टेट
गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू टेक फाइनल डिसीजन टू ग्रांट ऑफ 5 marks फॉर ईच ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम 25 marks टू द गेस्ट टीचर एज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्ट टीचर। यानी कि राज्य सरकार को ये डिसीजन लेने के लिए कहा गया है कि आप इस मुद्दे पर डिसीजन लीजिए कि जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट टीचर को 5 अंक का प्रत्येक वर्ष के आधार पर ग्रेस मार्क दिया जा रहा है और अधिकतम 25 अंक का ग्रेस मार्क दिया जा रहा है, उसी के आधार पर जो यहाँ पर गेस्ट टीचर हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा है कि देखिए द एडवर्टीजमेंट नंबर 2224 डेट 7 फरवरी 2024 इज हियर बाई स्टेड। जो ये 7 फरवरी 2024 को एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था 2224 वाला, यानी कि सीधे तौर पर बीपीएससी टीआरई 3 की बात ऑनरेबल कोर्ट कर रही है, हियर बाई स्टेड यानी कि उस पर रोक लगा दी गई है, आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। पहले इस मामले में ऑनरेबल कोर्ट अपना पूरा स्टैंड क्लियर करेगी और उससे पहले जो राज्य सरकार है उसको आंसर काउंटर फाइल करना पड़ेगा। राज्य सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि आप इसके संबंध में जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं उसी के तर्ज पर जो गेस्ट टीचर हैं उनको भी 5 प्रत्येक वर्ष के हिसाब से मार्क्स का ग्रेस आपको देना होगा। तो ये सभी चीज़ें अभी तय होना बाकी है, लेकिन अभी तक के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और ये पूरा डिसीजन आज जारी किया गया है। तो बीपीएससी टीआरई 3 में जो कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट टीचर वाला मामला था वो माननीय कोर्ट के द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 पर स्टे लगा दिया गया। अब ये मामला कोर्ट डिसाइड करेगी, उससे पहले राज्य सरकार को फैसला लेने के लिए कोर्ट ने निर्देशित कर दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।